एक्चुअली रात को यहाँ पे रूम मिला था यहाँ पे, तो मैं अच्छा इतना बढ़िया अच्छा नहीं मतलब ठीक ठाक है ये बाथरूम में है तो ये रूम मिला था। एक्चुअली आज सोच रहा हूँ कि काम खाली हो गया मेरा आज सुबह से आज पूरा शाम तक पूरा काम फुल काम जाना पड़ेगा मुझे ऑफिस में, वहाँ पर बैठ के वो काम खत्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो प्लानिंग वहाँ से होगा वही प्लानिंग के हिसाब से काम करें। मेरे रात को 2 घंटा बैठे थे शाम को, लेकिन कुछ मतलब ज़्यादा रात नहीं हो पाया क्योंकि वो सर जो नहीं थे, तो अभी सोच रहे हैं कि आज अभी 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, अभी तो सुबह का अभी 6 बज गया है, ठीक है कितना बजा अभी देखें 6 बज गया है अभी, तो हमें वो ख़त्म करके फिर मुझे निकलना है, तो उसके बाद फिर जाएंगे किधर घूमने के लिए। रूम देख रहे हो, रूम अच्छा है कोई ये नहीं मतलब छोटा सा है क्योंकि फ्री भी मिलता है तो छोटा ही मिलेगा भाई। ये दिल्ली का सुबह का मार्केट देखो दिखा रहा हूँ, तो अंडरग्राउंड मार्केट है पालिका बाजार, अच्छा बीच में सेंट्रल पार्क है, अच्छा तो पूरी गोल सर्कल मार्केट है जो अंग्रेज अंग्रेज टाइम का, मतलब पुराना दिल्ली वो पुराना दिल्ली में जाता है ना, नई दिल्ली वो नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो लाल किला पुरानी दिल्ली है। सामने का गेट उसका एंट्रेंस यहाँ पे, यहाँ पे कुछ पार्क है, ये इसका रास्ता है पूरा रेड फूड का रास्ता है, सामने जो देख रहे हो रेड फूड का, यहाँ पे पुलिस देखो यहाँ पे क्लोज है एवरी मंडे क्लोज है, यहाँ पे सिक्योरिटी देखो सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले सकते। एक्चुअली मुझे आता था लेट हुआ क्योंकि काम खत्म नहीं हो पा रहा था, 2-3 बजे ख़त्म होते होते बोला आज तो 3 बजे मैं क्या करूँगा, चलो रेड फोर्ट चलते हैं, इसलिए वो ऑटो वाला भैया है ना वो ये कह गए, और फिर ये भाई क्या उनका नाम है फिरोज भाई बहुत अच्छा आदमी है, तो उसके उन्होंने बोला कि ऑटो से चलते हैं, ऑटो से फिर यहाँ पर आ गए हम रेड फोर्ट घूमने के। मैं पूरा आज को रेड फोर्ट दिखाता हूँ आपको, मैं अंदर तक दिखाता हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा धूप हो रहा है तो फिर चलो अंदर चलते हैं। ये बुकिंग काउंटर है, टिकट काउंटर में टिकट ले सकते हो, टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, तो ये बुक लिस्ट के लिए है, तो ये है पूरा जब जी है रेड फोर्ट का। अभी टाइम हो गया 2 बज गया, अभी मैं रेड फोर्ट के सामने हूँ, ये सामने देखो आप रेड फोर्ट देखो सामने मेरे सामने जो है, तो ये आपको तो रेड फोर्ट के बारे में सारा पता है, बस मैं थोड़ा बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं अंदर जाऊँगा तो फिर अंदर से अंदर कैमरा बंद अलग नहीं है, कैमरा अलग ही अलग है उसको, और इसलिए मैं नहीं दिखा, तो ये इसका बाहर साइड का व्यू है ज़्यादा, आप टिकट लेकर तो टिकट लेके अंदर जा सकते हो, इसका ये जो देख रहे हो ये सामने है ये रेड फोर्ट है, ये पूरा रेड फोर्ट का एरिया है, ये पूरा सामने देखो पूरा देखो पूरा सामने, तो ये वाला आप देख सकते हो पूरा सामने बहुत ऊँचा है, ये 200 फीट से ऊपर होगा शायद ऊपर वो दीवार जो है 200 फीट से ऊपर होगा, यहाँ से मैं यहाँ पर रास्ता जाता है सामने में खड़ा हूँ, तो फिर अब जाना चाहो तो अंदर भी जा सकते हो, अंदर यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है वो सामने देख रहे हो, फिर खड़ा यहाँ पर अंदर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा नहीं ले सकते, वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको पीछे के कैमरा से। ये सामने का गेट है, यहीं पे एंट्री करते हैं, वहाँ से टिकट लाओगे तो यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो CISF वाले जगह है, यहाँ पर खड़े हुए हैं तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो ये उसका रेड फोर्ट का
दीवार है। कितने साल पुराना होगा शायद, बता सकते हैं। ये सामने का गेट है, ये देखो ये रेड फोर्ट है। आप देख सकते हो मैं खड़ा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रीट है कोविड के वजह से, बहुत स्ट्रीट है, अंदर के लिए भी स्ट्रीट है, बाहर के लिए भी है। ये आप देख सकते हो पूरा व्यू जो है, ये इसका बैक साइड है। मैं फ्रंट साइड से पहले एंट्री किया था, ये बैक साइड है। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा तो 4 एकड़ में, 4-5 एकड़ में घुमा हुआ है, तो चलते चलते थक जाओ इतना पीछे का हो जाए। पीछे में पूरा वो जो है वैसे उसको खोदा हुआ है, उसमें पानी रहता है, पानी के साथ में वो पिलर वगैरह पड़ा हुआ है। तो सामने जो देख रहे हो ना, वहाँ पिलर है, जो पिलर है ना उसके नीचे वो पूरा खाई है उसमें। तो किस तरह के पुराने टाइम में बना हुआ है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा बहुत मजबूत है। तो आप देख सकते हो, चल के जा रहा हूँ, तो बाहर से घूम सकते हो पूरा। तो बहुत बड़ा एरिया में है, रेड फोर्ट का व्यू, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो ये सामने जो ये देखो, यहाँ पे कितना यहाँ पे खोदा गया है और उसको पूरा बाउंड्री बना हुआ है। तो इसके इसमें पानी होता होगा बारिश के टाइम में। तो इसका दीवार का मजबूती देखो, वो इसका जो पिलर है ना, वो पता नहीं पत्थर से बना है कौन सा। तो ये जो पूरा व्यू देख रहे हो ना, ये रेड फोर्ट का है, मैंने वहाँ से। तो ये पूरा जो है सामने से जो देख रहे हो ना, ये सामने देखते, तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये 2 एकड़ में पूरा यहाँ पे हो रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ से हम लोग जा सकते हो, ये पूरा यहाँ पे घूम घूम के दोनों साइड से देख सकते हो। ये पूरा जो देख रहे हो ना, लोग देखो कितना लोग है यहाँ पे। अभी टूरिस्ट का टाइम आ गया है, तो मतलब सारे अभी बहुत सारा भीड़ हो रहा है यहाँ पे। तो दिल्ली राजधानी है, तो वैसे भी लोग आएंगे ही आएंगे, तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अभी आना शुरू हो रहे हैं। मैं पूछ रहा था उनको, बोला अभी और भीड़ होगा, दिसंबर तक बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो इसलिए तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये पूरा जो है ना वो अंदर के लिए, अंदर के मैं यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ कि अंदर में वो वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो अब नहीं कर सकते, तो इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी खड़ा है वहाँ पर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ख़त्म होगा। अब मेन गेट है, ये मेन गेट है, और यहाँ से वहाँ से टिकट लाओगे तो टिकट काउंटर उस तरफ है। तो यह है टिकट, वहाँ से लाओगे, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंटर है, तो आप लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे देखो पूरा CRF खड़ा है, तो यहाँ से आप लोग रेड फोर्ट से बंगाल से दोनों भाई मिल गए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? समीर है। क्या नाम है आपका? अमित। अमित भाई आशु, ये तीनों भाई मिल गए यहाँ पे हम लोग। मैंने बोला थोड़ा मेरा फिर फोटो ले लो मेरे लिए। तो ये कलकत्ता है, तो हम लोग यहाँ से घूमने आए। चलो अच्छा, मिले थोड़ा बात कर ली, चलो फिर चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह। टिकट काउंटर आपको दिखा था, ये फॉरन के लिए यहाँ पे देखो, ये वाला ये टिकट काउंटर है। टिकट लेते 80 रुपये का टिकट है अंदर जाने के लिए, 8 रुपीज़ का। वहाँ से कर सकते हो, ये ऑनलाइन में भी यहाँ पे स्कैन करके कर सकते हो। मैं अभी चलता हूँ बाहर का है, अभी ये सामने देख रहे हो, ये सामने का यहाँ पे व्यू है और वो फिर का व्यू है ज़्यादातर के लिए। तो ये देख रहे हो ना, ये रेड फोर्ट का व्यू है ज़्यादा, ये नहीं है। तो यहाँ से बंद है अभी, बहुत सारा बंद है, तो यहाँ पे भी बंद है, क्योंकि कोविड तो था ही था, लेकिन वो कृषि आंदोलन की वजह से सारे जगह पे सिक्योरिटी गुड़ बढ़ा दी है। तो आप लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे तो सिक्योरिटी की वजह से। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी तो वो है, लेकिन वो अंदर जाने के लिए कोई कैमरा और वो फोन वगैरह अलाउ नहीं है, पर नहीं ले जा सकते, तो इसलिए हमें अंदर से व्यवहार से दिखा रहे हैं, बस अंदर है कुछ नहीं करा। चलो फिर मैं चलता हूँ। चलो मैं यहाँ देख लिया, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, उधर तक जाना पड़ेगा, और एक जगह पर है बाकी जो आपको दिखाता हूँ। तो ज़्यादा ये नहीं है, तो इसी से आप लोग आओगे, ट्रेन से आओगे तो वहाँ उतर के टैक्सी ऑटो ले लेना,
ज़्यादा नहीं 17-18 रुपये लेते हैं यहाँ पे आने के लिए, पहले लो बस यहाँ पे आ जाओ। टिकट चाहिए तो अंदर जाकर देख सकते हो, टिकट लेके जो भी कर सकते हो मर्जी।